हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एंड यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल न्यू मारुति डिज़ायर की। एंड ये जो है VXI वेरिएंट है। एंड अगर आप कोई भी मारुति प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं राणा मोटर्स सावेर। एंड यहाँ पे शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है एंड लोकेशन है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी डिज़ायर। ये VXI वेरिएंट है। एंड यहाँ पर अगर बात करें इसके इंजन की सबसे पहले, तो यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 89 BHP की पावर। साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड अगर बात करें इसकी एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे हमको 22.5 किलोमीटर पर लीटर की अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं एक सामने से आपको व्यू दूँ तो कुछ इस टाइप की मिलती है। एंड ये जो है बेसिकली सेडान है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको जो है इंटीरियर में स्पेस देखने को मिलता है, बूट स्पेस देखने को मिलता है, वो सब चीज़ देखने के लिए हमको मिल जाती है। एंड अगर बात करें मैं इसके फ्रंट लुक्स की, फ्रंट फेशिया की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप से मिलती है इसकी फ्रंट की ग्रिल। यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स जो है वो भी फ्रंट ग्रिल में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे अगर बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे हमको मिलते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स, साथ में इंडिकेटर मिल जाएंगे बल्ब में। एंड नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है फॉग लैंप की हाउसिंग। एंड ये जो फॉग लैंप है, यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम एंड से इसकी जो फॉग लैंप है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमको मिल जाएगा इसका टोइंग हुक। और एक मैं वाइड व्यू दूँ फ्रंट लुक्स का, तो कुछ इस टाइप से मिलता है इसका पूरा का पूरा स्विफ्ट का फ्रंट लुक। और अगर बात करें इसके साइड्स की, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है VXI वेरिएंट है, तो यहाँ पे अलॉय व्हील तो नहीं आते। एंड यहाँ पे आपको जो है स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, साथ में व्हील कैप्स मिल जाएगी। एंड अगर बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे हमको जो है 14 इंचेस के इसके जो स्टील व्हील्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एंड पहले इसकी जो मैं लाइट्स है वो बंद कर दें, अगर कुछ इस टाइप से मिलता है आपको फ्रंट का व्यू। ओवरऑल ये जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। एंड साइड देखेंगे तो काफ़ी एक प्रीमियम, काफ़ी एक एलिगेंट जो है इसका हमको लुक देखने के लिए मिलता है। एंड व्हील बेस भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो भी हम जो है सफिशेंट अमाउंट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने के लिए मिल जाती है। टायर्स हमें स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ में। अगर बात करें इसके रियर व्यू मिरर की, तो यहाँ पे हमको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं रियर व्यू मिरर में। और इसके जो डोर हैंडल्स है वो मिलते हैं हमको बॉडी कडल्ड। और अगर बात करें इसके डोर्स की ओपनिंग की, तो यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री की ओपनिंग जो है हमें देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छी है, आपको इसमें बैठना है या उतरना है तो उसके लिए काफ़ी एक कन्वीनियंस हो जाती है। और रियर डोर्स की अगर बात करें, तो वो भी 90 डिग्री की अप्रोक्सीमेट ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ हमको जो है वो इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। और पीछे की अगर बात करते हैं हम, सो पीछे देखेंगे तो पीछे से हमको कुछ इस टाइप का जो है पूरा लुक मिलता है। यहाँ पर आपको LED जो है ब्रेक लैंप्स मिलती हैं, टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा बल्ब में, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं हमको देखने के लिए। एंड यहाँ पर आपको जो है वो क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर डिज़ायर की ब्रांडिंग, यहाँ पर सुजुकी की ब्रांडिंग। और इसको अगर ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे हमको इस टाइप की मिलती है इसकी बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड पूरी जो बूट स्पेस है वो कवर्ड है मटेरियल से, कोई इसमें ओपन पार्ट नहीं है। एंड नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलती है इसकी स्टेपनी या फिर स्पेयर व्हील। सो काफ़ी एक अच्छी अमाउंट की जो है बूट स्पेस के लिए मिल जाती है। और स्विफ्ट में आपको अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो है CNG वेरियंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। सो करते हैं क्लोज। एंड रियर में अगर एक मैं वाइड व्यू दूँ, तो कुछ इस टाइप के जो है वो रियर में व्यू मिलता है। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ हमको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आ चुके हैं मारुति डिज़ायर के अंदर। एंड ये जो है VXI वेरिएंट है। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो सबसे पहले अगर बात करूँ डैशबोर्ड के लुक्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का मिलता है इसका डैशबोर्ड का पूरा लेआउट। यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेंटर में सिंगल डिन की स्क्रीन डिस्प्ले। एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें इसके डोर्स की, तो यहाँ पे अगर डोर्स का लेआउट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप से मिलता है इसका डोर्स का लेआउट। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, साथ में डुअल टोन फिनिश में आता है। एंड यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा वाटर बोटल होल्डर। साथ में अगर मैं बात करूँ उसके कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो है वो वन टच डाउन मिलता है। एंड बाकी यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आपको लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाएगा, आपको आउटसाइड रियर व्यू क्लोज एंड ओपन करने का स्विच मिल जाएगा मिरर को। एंड यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट के स्विचेस मिल जाएंगे और क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करूँ उसके रियर व्यू मिरर के साइज़ की, तो यहाँ पे आपको डिसेंट अमाउंट का जो है साइज़ जो है ग्लास एरिया देखने के लिए मिलता है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है फील होता है इसका पूरा का पूरा इंटीरियर, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा एक ड्यूरेबल एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फील होता है। और अगर बात करें ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से कि ड्राइवर को क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है, तो सबसे पहले ड्राइवर को मिलेगी कीज़ गाड़ी की, जो
क्योंकि मिलेगी कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे जो कीज़ हैं, यहाँ पे पीछे सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, साथ में यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिल जाएगा। और यहाँ जैसे ही आप इसको कीज़ को करेंगे ऑन, तो यहाँ पे ड्राइवर को जो मिलेगा वो मिलेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम कर देते हैं बंद, यहाँ पे हमको मिलता है इसका टेकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे MID जिसमें कि आपको रेंज, और ये जो है नॉब दिया गया है जिससे कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, नॉब एवरेज रेंज वो सब चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आपको नॉब दिया गया है जिससे कि आप इसके ट्रिप्स जो है वो चेंज कर पाएंगे। एंड और कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसके हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको जो है कुछ इस टाइप से मिलता है इसका ऑडियो कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे इसको कॉल कंट्रोल्स। अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको जो है टिल्ट के लिए एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं हमको, और साथ ही साथ अगर बात करें उसके जो वाइपर्स के थ्रोस की, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो इसका वाइपर है काफ़ी नीटली एंड काफ़ी क्लीनली जो है इसके फ्रंट विंडशील्ड जो है उसको पूरा क्लीन कर देता है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने का स्विच। AC वेंट्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे AC वेंट्स कुछ इस टाइप के दिए गए हैं राइट साइड में, सेंटर में AC वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ हमको इस टाइप से दिए गए हैं। ऊपर मिल जाएगा 1000 लिम का स्विच, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है, वुड फिनिश भी मिल जाती है आपको इसके इंटीरियर में डैशबोर्ड पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है एंड प्रीमियम लुक एंड फील इसको देता है। साथ में यहाँ पे आपको डुअल टोन में जो है इसका फ्रंट का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और सिंगल डिन में यहाँ पे आपको मिक्सर मिलता है जिसमें कि ब्लूटूथ, USB, FM वो सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टच पैनल्स भी दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए एंड यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए, एंड यहाँ पे हल्के से जो है ब्लूइश लाइट दी गई है जो रात में काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर बात करें इसके स्पीकर की, तो यहाँ पे हमको मिलते हैं 4 स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी आपको जो है डिसेंट अमाउंट को देखने के लिए मिल जाती है। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका मैनुअल में AC, ये फ्लो के लिए है, ये इसके मोड्स के लिए है, एंड ये टेम्परेचर के लिए है, एंड ये जो है ये AC ऑन ऑफ करने के लिए है। साथ में यहाँ पे आपको मिलता है इसका एयर सर्कुलेशन के लिए ये जो है नॉब दिया गया है। और नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आपको, एंड साथ में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB एंड ऑक्स जो है उसका पोर्ट मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे अपना फोन वोन प्लेस कर सकते हैं, फोन वॉलेट वगैरह। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके कप होल्डर्स, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड साइड में देखेंगे सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो दिया गया है हमको। और पीछे हम आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा हैंड ब्रेक, और पीछे हम आते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा रियर सीट वालों के लिए। यहाँ पे अपना फोन वोन प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गियर नॉब के नीचे भी, हैंड ब्रेक के नीचे भी आपको स्पेस दी गई है जहाँ पे अपनी जो बाकी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। सीट की अगर बात करें तो ड्राइवर साइड जो सीट है वो आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको जो है सीट्स का जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा मिलता है एंड काफ़ी कंफर्ट जो है सीट प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे डुअल टोन में इसका इंटीरियर दिया गया है ब्लैक एंड बेज कलर में, साथ में यहाँ पे वुड ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी 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 कमाल लगता है। यहाँ पे देखेंगे ग्लव बॉक्स, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलता है जो कि हमको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है मैनुअल डिमिंग रियर व्यू मिरर, यहाँ पर रीडिंग लैंप मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगा माइक कॉल अटेंड करने के लिए। साथ में अगर को ड्राइवर की बात करूं तो वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड जो है कोई वैनिटी मिरर कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ से कुछ इस टाइप का मिलता है पूरा ड्राइवर को व्यू। ऊपर देखेंगे तो जो है बोनट वगैरह विजिबल नहीं होता है, वो बेसिकली सीधी सी बात है सेडान्स में ऐसा चीज़ होती भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स में और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ हमको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं डिजायर के रियर सीट्स में, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो सीटिंग स्पेस जो है वो भी आपको डिसेंट अमाउंट को मिल जाता है, लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, अंदर साइड सपोर्ट जो है वो भी आपको डिसेंट अमाउंट को मिल जाता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिल जाएंगे आपको कन्वीनियंस के लिए। अगर बात करूँ डोर्स की, तो यहाँ पर हमको जो है डुअल टोन में डोर्स दिया गया है, एंड यहाँ पर भी आपको पीछे की साइड जो है यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, पूरा पूरा हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ और सिर्फ आगे जो है फैब्रिक मटेरियल मिलता है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके ग्रैब हैंडल्स और क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। एंड अगर बात करें विंडो एरिया की, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी एयरी फील होता है आपको, एंड इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे आप मीडियम अगर बेल्ट के, नॉर्मल बेल्ट के अगर 3 लोग हैं तो वो इजीली बैठ सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट और सेंटर में रीडिंग लैंप मिल जाएगी आपको, और पीछे से कुछ आपको इस टाइप का मिलता है इसका व्यू। साथ में डोर्स में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। सीट्स में अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ को ड्राइवर साइड जो है वहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे से हमको कुछ इस टाइप का मिलता है इसका पूरा का पूरा व्यू। सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।